नमस्कार, हम ही वैभवनाथ शर्मा और आपके हार्दिक स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष प्रस्तुति ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। एक कार्यक्रम में हर दिन के पंचांग बतावे के साथ साथ हम बताइला आपके 12 राशि के राशिफल, हर दिन के शुभ बनावे खातिर का उपाय करे के चाहिए और का न करे के चाहिए, एकरे जानकारी देवे के साथ साथ आपके मिलेला चार गो विशेष उपाय, जे उपाय के जीवन में प्रयोग में लिया करके आप अपने जीवन के दुख और कष्ट से मुक्ति पा सकेले। और ध्यान रखे वाली बात ही बा कि जौन भी उपाय हम आपके बताइला उ कुल घरेलू उपाय, बहुत सरल लेकिन बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय होले। तब हम लोग कार्यक्रम के आगे बढ़ाई व जानकारी करब आज के पंचांग के। आज के पंचांग बा विक्रम संवत 2073। मास चल रहा बा वैशाख के और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के आज प्रतिपदा तिथि बा शनिवार के दिन बा। नक्षत्र बा स्वाति, योग बा सिद्ध और करण बा कौलव। आज के राहु काल बन रहा बा प्रातः काल 8:46 से लेकर के 10:23 तक। ए समय में कोई भी शुभ कार्य आपके न करे के चाहिए और कोई भी शुभ कार्य करे के होखे तो गुलिका काल में करी, जौन काल के सबसे शुभ मानल जाला। तो गुलिक काल आज के पड़ रहा बा प्रातः काल 5:33 से लेकर के 7:10 तक। ए मध्य में कोई भी कार्य के आप श्री गणेश करिए तो आपके लाभ और सफलता कहीं ज्यादा मिली। तई तो चर्चा रहे आज के पंचांग के। अब हम लोग कार्यक्रम के आगे बढ़ाई बात करब पहला तीन राशि के राशिफल और उकरे साथ साथ आज के पहला उपाय यानी रामबाण उपाय के। तो राशिफल के क्रम में सबसे पहला राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगन के लिए आज आपके दिन बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होए जा रहल बा। ग्रह नक्षत्र के संयोग आपके पक्ष में बन रहल बा। सामाजिक समारोह में भाग लेवे के, कोनो उत्सव में भाग लेवे का संयोग मिली। मान सम्मान के प्राप्ति और कामकाज में आपके यश मिले, आज ऐसा लक्षण कुल मिलाकर के आपके लिए बन रहल बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम बम बटुकाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। मानसिक थकान और उदासीनता के आप अपने ऊपर हावी न होए दें, आपके लिए शुभ रंग बन रहल बा लाल और शुभ अंक बन रहल बा दुई। अब बारी वृषभ राशि के। वृषभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेले। व्यापार एवं नौकरी में आप अच्छा कार्य प्रदर्शन करें, ऐसा संयोग दिख रहा बा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से, आपके प्रदर्शन से प्रसन्न रहें, प्रभावित रहें, आज ऐसा संयोग भी बनत बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर भगवान भैरव की पूजा आराधना करे के साथ साथ काला कुत्ता के एगो इमृति देना आपके लिए सर्वोत्तम रही। परिश्रम से पीछे न हटे के चाहिए, आपके लिए शुभ रंग बन रहा नीला और शुभ अंक बन रहा बा सात। अब बारी मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले जातक लोगन के लिए व्यापार में नई योजना आज आप बना सके लें। लेन देन के मामला में थोड़ा सा आज आपके सावधानी रखे के चाहिए। उदर या फिर मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा आज आपके परेशान कर सकेले, यानी पेट या सिर से संबंधित समस्या परेशान करी, तो स्वास्थ्य के ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर देवी दुर्गा के पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। और चिंता मुक्त रहे खातिर यदि आप प्राणायाम या फिर योग इत्यादि के सहारा लें तो आपके हित में ज्यादा उत्तम रही। आज आपके बहुत ज्यादा न बोले के चाहिए, जब भी कोई से बात करें तो सोच समझ करके नपातुला संवाद करें, आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा काला और शुभ अंक बन रहा बा छे। अब कार्यक्रम में बारी बा आज के पहला उपाय यानी रामबाण उपाय जाने के। आज हम जानब कि शत्रु नाश करे खातिर कौन चौपाई के प्रयोग करल जा सकेले। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा आपके परेशान करत होके और आप शत्रु लोगन के समाधान करे खातिर कोई भी उपाय ना ढूंढ पावत हैं, कोई भी आपके ओकर हल ना मिल रहा बा, तो आपके समस्या के समाधान ही चौपाई बा।
इस चौपाई के यदि कोई व्यक्ति 108 बार नियमित कुछ दिन तक 21 दिन 40 दिन या 90 दिन जाप करे तो उनके शत्रु के संख्या में निश्चित तौर पर कमी आवेले और आपके शत्रु जौन बा आपन शत्रुता छोड़ करके आपके मित्र बन जाई हैं। इस चौपाई बा बैरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। एक बार पुनः सुन लें, बैरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। इस चौपाई के जाप करे से आपके शत्रुता के नाश हो जाए। जे आपके शत्रु लोग बाणे वो स्वतः ही आपन शत्रुता भूल जाइए और आपसे मित्रता करे का प्रयास करे लगे। तो दर्शक लोग, कार्यक्रम में अब समय आ गई बा एगो छोटा से ब्रेक के। ब्रेक के उपार हम लोग चर्चा करब आज के अगला 6 राशि के राशिफल पर। ओकरे साथ साथ हम आपके बताई आज के दुगो बहुत विशेष उपाय यानी आज के दिव्य उपाय और वास्तु उपाय, और इकरे अलावा आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करब माँ काली के एगो ऐसन मंत्र जे हर प्रकार के संकट के नष्ट करेला। तो आप कहीं मत जाई, बनल रही महुआ प्लस पर हमरे साथे और देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, पुनः स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब हम लोग बात करब आज के दिव्य उपाय पे, और आज हम आपके बताएं यदि आपके घर में आपके बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव ऊर्जा के अनुभव हो रहा बा तो आपके का उपाय करे के चाहिए। आप वास्तुशास्त्र और फेंगशुई में देखले हुई हैं, आजकल छोटा छोटा नींबू के पौधा गमला में लगा करके या तो आर्टिफिशियल पौधा सांकेतिक रूप में या असली पौधा भी वास्तु दोष निवारण खातिर बेचल जा रहा बा। एकर सबसे बड़ा कारण ही बा कि नींबू के पेड़ के आसपास वातावरण सदैव सकारात्मक रहेला यानी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेला। वो जगह पर हमेशा शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी बनेले। यही कारण रहल कि पुराने समय में लोग आपन बाग बगीचा में आपन घर में कहीं एकाध गो नींबू का पेड़ जरूर लगावत रहे। यदि आप अपने घर में भी कहीं खुला स्थान पर, घर के आंगन में या उकरे आसपास नहीं, घर के खुला स्थान में यदि आप नींबू के पौधा लगाई हैं तो कोई भी प्रकार के वास्तु दोष रही या नकारात्मक ऊर्जा रही उसे आपके बहुत अच्छा लाभ मिल जाए, वास्तु दोष में कमी आई। और एकर जोन आर्टिफिशियल पौधा होले ओके भी फेंगशुई में सांकेतिक रूप में घर के अंदर रखल जाला जैसे ही शुभ ऊर्जा के अपने तरफ आकर्षित कर सके। सही तरह है आज के दिव्य उपाय के चर्चा। अब हम लोग बात करब कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातक लोगन के आज के राशिफल के। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज कोई नया व्यापारिक शुरुआत या फिर विदेश प्रवास आप न करें। आज के दिनचर्या में आपके जमकर के मेहनत करे के चाहिए, तवही जाकर के कहीं आपके लाभ मिल सकेले। आज के दिन पूरा तरीके से मेहनत और परिश्रम से परिपूर्ण रहे वाला बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिन और दिन के कष्ट में कमी लियावे खातिन देवी दुर्गा के पूजा आराधना कर लेना आपके अच्छा लाभ दे। तो दुर्गा चालीसा के पाठ करी, व्यर्थ की बात में खुद के आप लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करी। आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा भूरा और शुभ अंक बन रहा हो 9। अब बारी सिंह राशि के। सिंह राशि वाले जातक लोगन के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति फैल सकेले। तो सबसे पहला काम ही करे के बा कि अपन गुस्सा के आप नियंत्रित करी। गला से संबंधित कोई रोग होए से कुछ परेशानी हो सकेले, तो अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखना, विशेष तौर पर गला के ध्यान रखना। बहुत ठंडा या बहुत गर्म चीज खाए पिए से आज आपके बचे के चाहिए। अपन पारिवारिक स्थिति पर आप ध्यान दें और परिवार के नियंत्रण करे खातिर भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा आराधना करना आपके लाभ दे। आज आप कोई भी परिस्थिति में निराश न हो। आपके लिए शुभ रंग बन रहा सफेद और शुभ अंक बन रहा बा 1। अब बारी कन्या राशि के। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपन मधुर वाणी और अपन सौम्य व्यवहार के चलते लोकप्रिय व्यवहार के कारण आप लोगन के प्रिय पात्र बन सकेले। आज के दिनचर्या में अपन कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा लापरवाही हो सकेले, जेकरे चलते कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाए तो आपके ध्यान ही रखे के बा कि आप अपने काम में कहीं कोई कमी या लापरवाही न करी। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर बच्चा लोगन के थोड़ा सा आपके कुछ मीठा इत्यादि के वितरण करे के चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना करे के चाहिए और आपन परिवार में छोटा बच्चा लोगन के गतिविधि पर थोड़ा से आपके ध्यान भी रखे के बा और गलत हरकत पर नियंत्रण भी लगावे के बा।
आज के दिनचर्या में तनाव लेवे से बचे के चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा खाकी और शुभ अंक बन रहा बा तीन। अब कार्यक्रम में समय बाद जानकारी करे के आज के वास्तु उपाय के। आज के वास्तु उपाय में हम आपके बताए कि अंडरग्राउंड पानी का टंकी अगर आपके बनावे के बाद या पानी स्टोरेज की व्यवस्था करे के बाद आप कैसे करें। कोई भी घर में या कोई भी भूखंड के यदि उत्तर पूर्व में अंडरग्राउंड पानी का टंकी बनावे के बनावल जाए तो ऐसे आपके स्थिर व्यवसाय और स्थिर लक्ष्मी के प्राप्ति होले। और कई बार ही देखल गई बा कि लोग गलती से या जगह के अभाव में दक्षिण दिशा में पश्चिम इत्यादि दिशा में या दक्षिण पश्चिम के कोना में अपने घर के या अपने भूखंड के अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज या अंडरग्राउंड टैंक बना देवेले। ऐसे स्थिति में उनके जीवन में नाना प्रकार के समस्या के सामना करे के पड़ेला। और एक बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आवेले कि कुल कमाई पूरे जीवन भर के मेहनत के गाढ़ी कमाई वही गड्ढा में चल जाले। अचानक जीवन में कोई ऐसी समस्या आई कि सारा कमाई ले जा करके उनके दरिद्र बना दे। तो जब भी आपके भूखंड में दक्षिण या पश्चिम में गड्ढा रहे अंडरग्राउंड पानी टंकी का व्यवस्था रहे तो वो आपके नुकसान दे। अंडरग्राउंड जल के व्यवस्था जब भी आप बनाई तो उत्तर या पूरब में या खासतौर पर उत्तर पूरब में बनाई तो आपके स्थिर लक्ष्मी के प्राप्ति हुई। सही तो चर्चा रहे आज के वास्तु उपाय के। अब हम लोग फिर से राशिफल के क्रम के आगे बढ़ाई व जानकारी करब कि तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक लोगन के आज के राशिफल का कह रहा। तुला राशि वाले जातक लोगन के लिए आज व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिले का संयोग दिख रहा बा। कॉमर्स से जुड़ल विद्यार्थी लोगन के आज मन माफिक सफलता न मिल पाए या कुछ कमी रह जाए ऐसा संयोग ऐसा लक्षण बन रहा बा। आज के दिनचर्या में सफलता प्राप्त करे खातिर माता काली के पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध रही। कोई गरीब व्यक्ति के या ओकर परिस्थिति के आज आप अनादर न करी। आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो गिरुआ और शुभ अंक बन रहा हो आठ। अब बारी वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगन के लिए सरकारी काम में सफलता प्राप्त हुई तथा मित्रों और स्नेही जन लोगन के साथ आज आपके लाभ मिल सकेला। आज खर्च बढ़ी लेकिन समय तनी सा खुशनुमा बीते ऐसा संयोग भी दिख रहा हो। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर माँ लक्ष्मी के पूजा आराधना करना और कोई वृद्ध व्यक्ति के सेवा करना आपके लिए सर्वोत्तम फल दे सकेले। एक से अधिक प्रेम संबंध कोई भी व्यक्ति खातिर बहुत अच्छा ना बा। आपके ऐसे आज खास तौर पर बचे के बा कहे कि आज ऐसा संयोग दिखत बा आपके साथ। आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा नारंगी और शुभ अंक बन रहा चार। अब बारी धनुराशि के। धनुराशि वाले जातक लोगन के लिए आज आपके शारीरिक रूप से अस्वस्थता के अनुभव हो सकेले। आज आपके उदास न होए के चाहिए। आप जम करके मेहनत करी और जीवन में आगे बढ़े का प्रयास आप करी आपके सफलता जरूर मिली। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करना और कोई धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना आपके हित में रही। परिवार की बात या सुझाव की आप अनदेखा बिल्कुल भी न करी। आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा केसरिया और शुभ अंक बन रहा सात। तो दर्शक लोग कार्यक्रम में पुनः एक बार अवसर आ गई बा एगो छोटा से ब्रेक लेवे के। आप कहीं मत जाएं कहें कि ब्रेक के बाद आज के महा उपाय में हम आपके बताई माँ काली के गो ऐसा शक्तिशाली मंत्र जे कोई भी प्रकार के संकट के नाश कर सकेले। तब बनल रही महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ और देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, पुनः स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब हम लोग बात करब मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के राशिफल पे और उकरे साथ साथ आज के महा उपाय। तय क्रम में सबसे पहले बात मकर राशि के। मकर राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आपके मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही। आप तनाव मुक्त रह सकेले। पिछला कुछ समय से आप बहुत ज्यादा तनाव झेलत रही तो आज उसे आपके मुक्ति मिल जाए। जायदाद संबंधी लेवल गए कोनो फैसला कोई बड़ा निर्णय अहितकारी साबित हो सकेले तो एक बार पुनः आप फिर से अपने निर्णय पर विचार कर लें। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर माता लक्ष्मी के सफ़ेद मिष्ठान के भोग लगाना यानी सफ़ेद खोए का बर्फी अगर आप भोग लगा दें तो आपके बहुत अच्छा लाभ मिल सकेले। इकरे अलावा सफ़ेद वस्तु के दान जैसे दूध दही चीनी चावल इत्यादि के दान करना भी आज के आपके दिन के शुभ बनाई। आज आपके क्रोध करे से बचे के बाद आपके लिए शुभ रंग बन रहा बा फिरोजी और शुभ अंक बन रहा बा चार। अब बारी कुंभ राशि के।
कुंभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज उत्साह में कमी ना आवे दही। आपके स्फूर्ति जौन बा, आपके आपन ऊर्जा स्फूर्ति जौन बा, घटत भैल प्रतीत हो सकेले। परिवार के लोग के साथ कहीं आप घूमे फिरे का कार्यक्रम भी आज बना सकेला। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर श्री महाबली हनुमान जी के पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। काले वस्तु काले पदार्थ के दान इत्यादि करना आपके हित में रही। कोई भी व्यक्ति के आप निंदा न करी। आपके लिए शुभ रंग बन रहा बैगनी, अशुभ अंक बन रहा एक। अब बारी मीन राशि के। मीन राशि वाले जातक लोगन के लिए कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी लोगन से आज आपके थोड़ा सावधान रहे के पड़ी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहे की आवश्यकता बा। आज के आपके सफलता आपके कोशिश आपके प्रयास आपके मेहनत पर निर्भर कर रहल बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर भगवान श्री राम के पूजा आराधना करे के साथ साथ लाल वस्तु के दान करना आपके हित में रही। आज आपके ध्यान ही रखे के बा कि कोई भी कारण की वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी ना आए। आपके लिए शुभ रंग बन रहा है स्लेटी और शुभ अंक बन रहा है सात। तो दर्शक लोग ही तो चर्चा रहे आज के 12 राशि के राशिफल के और आज के एपिसोड के 3 विशेष उपाय के। अब हम लोग बात करब आज के महा उपाय में, जिमे हम लोग आज चर्चा करब कि एगो ऐसन कौन मंत्र बा जे हर संकट के नाश कर सकेले। जी हाँ, वो मंत्र बा माँ काली के मंत्र। माँ कालिका के स्वरूप जितना भयावह बा उसे कहीं ज्यादा मनोरम और भक्त लोगन के लिए उस स्वरूप आनंददायी बा। आमतौर पर आप देख ली हुई है माता काली के पूजा आराधना या तो सन्यासी लोग करेल या तंत्र क्रिया करे वाले तांत्रिक लोग ज्यादा करेल। ऐसा भी मानल जाले कि माँ काली काल के अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति कोई भी जातक के मोक्ष प्रदान करेली। आद्य शक्ति होए के नाते वो अपन भक्त के हर इच्छा के पूर्ण भी करेली। तांत्रिक तथा ज्योतिषी लोगन के अनुसार या फिर धर्मशास्त्र के अनुसार माँ काली के कुछ ऐसन मंत्र भी बाणे जिनके आम व्यक्ति यदि आपन रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में ले तो संकट दूर करे खातिन ओसे बेहतरीन या ओसे चमत्कारी मंत्र प्रयोग कुछ ना हो सकेले। वही मंत्र में से एगो मंत्र बा माँ काली के नवान मंत्र। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 9 अक्षर से बनल मंत्र माता के 9 स्वरूप के समर्पित बा तथा इनके प्रत्येक अक्षर एक एक ग्रह के नियंत्रित करेले। ए तरह 9 अक्षर से मिलकर कर बनल नवान मंत्र कुंडली के सभी प्रकार के 9 ग्रह के साध करके व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट और संकट से मुक्ति दिलावेला, संकट के दूर करेला। तो ये जौन नवान मंत्र बा देवी काली के या देवी दुर्गा के उकाबा अवा हम आपके बतावत थी। ये मंत्र बा ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। ये मंत्र के प्रभाव आप देख ले हुई हैं। हम लोग नवरात्र में ये मंत्र के जाप और लाभ बहुत ज्यादा लेला। कोई भी व्यक्ति जिकरे जीवन में कष्ट और संकट चल रहा हो कोई भी समय में ये मंत्र के जाप और प्रयोग करके जीवन के कष्ट से संकट से मुक्ति पा सकेले। तांत्रिक लोग एक 1.25 लाख से लेकर के 5 लाख तथा 9 लाख मंत्र जाप करके भी सिद्धि प्राप्त करेले। परंतु एक आम आदमी जे गृहस्थ बा जिकरे ऊपर परिवार इत्यादि के जिम्मेदारी बा ओके नियमित रूप से 108 बार ये मंत्र के जाप करे के चाही जैसे ओके ये मंत्र के लाभ प्राप्त कर सके। यही खातिन यही नाते आप अपने घर में माँ देवी दुर्गा के अथवा माँ काली के एगो तस्वीर फोटो या प्रतिमा के समक्ष बैठ करके आप ये मंत्र के साधना कर सकेले। आपके करे के ही चाहिए कि सुबह प्रातः काल जल्दी नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके वो प्रतिमा या तस्वीर के आगे आप एगो दीपक जलाएं, तिलक लगाएं तथा ओकरे साथ साथ लाल रंग के पुष्प तथा गुलाब गुड़हल इत्यादि समर्पित करें। एकरे बाद वही जगह पर एक आसन डाल करके काला आसन डाल करके आप बैठ जाएं और 108 बार मंत्र जाप करें। जप के बाद यथा योग्य भोग माँ काली के समर्पित करें। यदि आपके अधिक सामर्थ्य ना बात आप मिश्री या गुड़ के इत्यादि के भोग भी माता के समर्पित कर सकेले और चाहें तो लाल सेब या फिर लाल अनार के भोग माता के लगाएं, माता के ही प्रिय भोग बा। भोग लगावे के बाद मन ही मन आपके जौन भी इच्छा बा जौन भी कार्य करे सिद्धि करे खातिन आप ही मंत्र के प्रयोग कर रहा नहीं वो कार्य के सफल बनावे खातिन माता से आपके प्रार्थना करे के चाहिए और आपन इच्छा पूरा होए तक आप ई प्रयोग इस साधना के क्रम के निरंतर जारी रखी। यदि आपकी इच्छा सात्विक होई या उसे कोई का अनिष्ट न हो रहा होई तो माँ कुछ ही समय के अंदर आपके मनोकामना के पूरा अवश्य कर दिए।
यदि आप चाहें तो इच्छा पूरा होए के बाद भी ई प्रयोग के आजीवन कंटिन्यू कर सकेले। नियमित रूप से यदि आप करत रहें तब भी जीवन में आवे वाला जो छोटा छोटा समस्या और बाधा बा ओसे भी आपके मुक्ति और आपके सुरक्षा प्राप्त होत रही। तो दर्शक लोग ही तो चर्चा रहे आज के महा उपाय के। अब कार्यक्रम में हम लोग बात करब अपन दर्शक लोगन के, आप लोगन के आवल प्रश्न के उकरे हल के बारे में। तो यही क्रम में एगो ईमेल आयल बा सोनी के। सोनी जी मेल लिखत हैं हंसुपुरा औरंगाबाद से। इनकर प्रश्न बा कि विवाह में विलंब हो रहल बा, जल्दी शादी होए के विवाह बाधा निवारण के कोनो उपाय बतावल जाए। सोनी जी आपके जन पत्रिका के अनुसार सप्तम भाव में शनि के स्थिति और उकरे साथ साथ चंद्रमा के साथ राहु के संयोग ये बहुत गंभीर रूप से पितृदोष के दर्शा रहल बा। और जहाँ जोने परिवार में जोने कुंडली में पितृदोष रही कार्य में बाधा तो अबे करी, आपके जीवन में आगे भी कष्ट और बाधा के स्थिति का ही अनुभव आपके होत रही। तो सबसे पहला काम आपके करे के चाहिए कि चंद्र राहु और शनि ये तीन ग्रह के शांति करा करके आप लाभ ले सकेली। गुरुवार के आप नियमित रूप से व्रत करें। इकरे अलावा अगर आप एक पुखराज पांच रत्ती के सोना में बनवा करके धारण कर लें तो आपके लाभ मिल सकेले। तो दर्शक लोग सोनी जी के समस्या के समाधान तो हो गई। अब आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न बात आप हमके ईमेल करी ग्रहण के चाल @gmail.com पर। इमें आपके करे के बात कि आप अपन संपूर्ण जन्म विवरण और अपन प्रश्न लिख करके आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकेली। अगर एसएमएस करे के बात कैपिटल में जीबीएच लिखें और एगो स्पेस दे करके अपन संपूर्ण जन्म विवरण और अपन प्रश्न 5888 पर हमके भेज सकेली। यही शुभकामना के साथ कि महादेव आपके कल्याण करें, माता गौरी आपके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें, हमके आज्ञा दें और देखत रही महुआ प्लस। जय महाकाल। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु नवग्रह नमः। ओम रिं रौं सूर्याय नमः। ओम ऐं क्लिं सोमाय नमः। ओम हुं श्रीं पतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं